नमस्कार, न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों के बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह जिला में शनिवार को भी कोरोना संक्रमित 3 मरीज हुए स्वस्थ। उपायुक्त ने स्वस्थ मरीजों को प्रशस्ति पत्र देकर किया विदा। शहर के प्रमुख मार्गों को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। एसडीएम और एसडीपीओ ने अभियान चलाकर किया कार्रवाई। उपायुक्त ने सभी बीडीओ के साथ किया बैठक। प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का दिया निर्देश। और सीओडी में रहती जमीन पर नाली निर्माण को लेकर जमीन मालिक ने किया हंगामा। नगर निगम मद से बनाई जा रही थी नाली। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिले में 3 कोरोना मरीजों का दूसरा जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आया है। शनिवार को स्वस्थ हुए तीनों मरीजों को उपायुक्त ने प्रशस्ति पत्र देकर आइसोलेशन वार्ड से विदा किया। गिरिडीह जिला लगभग कोरोना से जंग जीतने के कगार पर खड़ा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा कर्मियों ने अपनी निष्ठा और सेवा भाव के बदौलत कोरोना संक्रमित मरीजों को भी स्वस्थ कर दिया है। गिरिडीह के बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 3 कोरोना संक्रमित मरीजों का दूसरा जाँच रिपोर्ट भी नेगेटिव आया है। शनिवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने स्वस्थ हुए पीटा प्रखंड के 1 और जमुआ प्रखंड के 2 मरीजों को बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड से तालियों की गड़गड़ाहट एवं फूल बरसाकर विदा किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा भाव से स्वास्थ्य व चिकित्सा कर्मियों व जिला प्रशासन की टीम ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। कल हम लोग यहाँ जितने पेशेंट अभी आप जो देखें जिनको रिलीज़ किए, कल इनका ट्रूनेट मशीन से इनका पॉजिटिव आया था। ट्रूनेट मशीन से इनका पॉजिटिव आया था कल। तो ट्रूनेट इनका पॉजिटिव आता है उनका तुरंत जो है हम लोग आरटीपीसीआर के लिए करवा दिए। कल शाम में आरटीपीसीआर के लिए भेजा गया। धनबाद से वो नेगेटिव थे। 2 थे जनमनो जमुआ के और 1 थे कुमार लालो के। उनको आज रिलीज़ कर दिया गया। फिलहाल तौर पर यहाँ कोई भी पेशेंट अभी नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट अभी आप देख रहे हैं वो दिल्ली से आया है। वो दिल्ली में अपना स्वाब कराया था, गवा का है। वो दिल्ली का केस पॉजिटिव था, वो रास्ते में उसकी रिजल्ट आई थी, क्योंकि वो आदमी इंटेलिजेंट है, वो यहाँ आकर के एडमिट हो गया। अभी वो एडमिटेड है और उनके साथ जो 3 व्यक्ति आए, 2 व्यक्ति और आए थे, उनमें से 1 ट्रूनेट पॉजिटिव था जिसका स्वाब अभी भेज दिया गया और मान के चलिए रिपोर्ट कल तक आ जाएगा। इसलिए अब गिरिडीह जिला में एक्टिव केस नहीं। जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाया गया। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम सह नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, प्रशिक्षु आईएएस रियाज अहमद, डीएसपी विनोद रवानी ने शहरी क्षेत्र के कचहरी रोड, बस स्टैंड, कालीबाड़ी, मुस्लिम बाजार में सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया। मौके पर नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो और यातायात थाना प्रभारी रतन सिंह भी मौजूद थे। उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। समाहरणालय सभा कक्ष में शनिवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुआ। बैठक में उपायुक्त ने क्वारंटाइन अवधि के पश्चात प्रवासी मजदूरों को मनरेगा एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। बैठक में DDC मुकुंद दास, DRDA डायरेक्टर आलोक कुमार समेत सभी BDO मौजूद थे।
जिले भर में 80,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों का आगमन हो चुका है और अधिकांश प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन अवधि भी अब समाप्त होने के कगार पर हैं। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स स्कूलों को बनाए गए थे, अब ज़्यादातर जगहों से यही सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि लोगों ने अपने अपने 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड समाप्त कर लिया है और अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। ऐसे में सभी स्कूलों को उनके शैक्षणिक कार्यों के लिए भी दोबारा सैनिटाइज कराकर फ्यूमिगेट कराकर प्रारंभ कराया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ सारे मजदूरों को भी मनरेगा या अन्य विकासात्मक योजनाओं में इन्वॉल्व कराने के लिए सारी तैयारियाँ की जा रही है। वर्तमान में मनरेगा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना, शहीद पोटो खेल विकास योजना तथा नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में पूरे ज़िले में मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कराए जा रहे हैं। अभी तक कुल 7,000 से अधिक कार्य बीते 10 दिनों में स्टार्ट किए गए हैं, जिनमें कि अधिकाधिक संख्या में मजदूरों को लगाया गया है और उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि 8वें दिन सभी को टाइमली वेज पेमेंट भी हो जाए। अभी ज़िले में कुल जितने भी एक्टिव लेबर्स हैं, हम लोग 25% एक्टिव लेबर्स को इंगेज कर पाने में सफल रहे हैं और यही कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को इसमें और इन्वॉल्व किया जाए। नए प्रवासी मजदूरों के लिए 72,000 की संख्या में जॉब कार्ड्स बनाकर मंगवाए गए हैं और जैसे जैसे लोगों का क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हुआ और जैसे जैसे अपने घर में लोग जा रहे हैं, उनको जॉब कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तथा उन्हें सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं कि उनके गाँव में कहाँ कहाँ पर योजनाएँ शुरू हो चुकी हैं। हर एक गाँव में कम से कम 5 योजनाएँ लेने का दिशा निर्देश सभी रोजगार सेवक को, सभी BPOs को उपलब्ध कराया गया है और मैक्सिमम स्कीम्स ट्रेंच कम बंडिंग, फील्ड रिजुविनेशन, नाला, सोप पिट तथा बागवानी को ही लेकर है, ताकि इनका आगे के दिनों में भी, जैसे अगर बारिश हो भी जाती है तो बागवानी का काम उसे भी कंटिन्यू कराया जा सकता है। मुंबासा थाना क्षेत्र के सीओडी में रात्रि पुलिस गश्ती दल ने कोयला मजदूरों के साथ बेरहमी से पिटाई की। मजदूरों ने पुलिस दल पर पैसा छीनने और मोबाइल तोड़ने का भी आरोप लगाया है। पूरे घटनाक्रम पर माले नेता राजेश सिन्हा ने पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर कड़ा आपत्ति जाहिर किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी में रात्रि पुलिस गश्ती दल PCR वैन 1 ने कोयला मजदूरों के साथ बेरहमी से पिटाई किया और उनका पैसा भी छीन लिया। घटना शुक्रवार रात की है। पुलिस गश्ती दल ने शुक्रवार को बरगंडा चौक से बाइक से कोयला ढोने वाले 6 कोयला मजदूरों को मुफस्सिल क्षेत्र के सीओडी इलाके में ले गए और सभी के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट कर उन लोगों से 20,000 रुपए छीन लिया और लगभग 3 घंटे तक अपना पैर भी दबवाया। इस दौरान गश्ती दल ने सभी कोयला मजदूरों के साथ गाली गलौज भी किया और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। हम लोग बहुत गरीब आदमी मतलब है, कमाने खाने के लिए रास्ते को गाड़ी में कोयला लेके जा रहे थे तो बरगंडा मोड़ में हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोला कि तब लोग पैसा जैसा रूप पैसा लेता तब लोग पैसा मतलब निकाल के दे रहे थे 100 रुपये तो मतलब बोला कि हम फसल वाला है। अब पकड़ के बरगंडा मोड़ से पुल टू से पूरा मारने मारने ले गया, हमने तो मोड़ पार किया। उसके बाद पूरा वो बहन हम गाड़ी पकड़ तो बोला कि पप्पा से लेकर पैसा निकाल तो पैसा हम लोगों पर नहीं था सर पैसा तो लास्ट में लोगों के करके सब लोग जमा करके लगभग 20,000 रुपये छीन लिया। छीनने के बाद बहुत गंदा गाली पका तो उसके बाद भी बोला कि किसका सोर्स लगाएगा लगाओ सोनू किसका ये बहुत लटपट गाली पकड़ने के बहुत गाली पकड़ लेकर लोग एस पी किसी भी फोन लगा देखते हैं उसका पैर दबाया 3 घंटा तक पैर दबाया सर उसको उसे थक जाते थे तो लाते लात मारता था पूरा। कौन था? राजेश यादव। उसके साथ 3 बार था सब मिल कर मारा। जैसे हम लोग काम करते थे फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा। तो काम फैक्ट्री बंद हो गया तो एक भट्टे उट्टे लगाता है हम लोग बात किए थे तो वहीं बात करके अपने घर का मोटरसाइकिल में बजाज डिस्कवर कागज पत्र सब ओके नहीं मिला उसी में ले जा रहे थे। क्या ले जा रहा था? कोयला ले जा रहे थे थोड़ा बहुत। अच्छा। थोड़ा ले जा रहे थे तो वहीं बरगंडा मोड़ में टर्न कर पड़ा था वहीं पर हमको पकड़ा और चलो आगे कर गाड़ी आगे लगा दिया और बस ही जाना पड़ता हुआ वहाँ पर हम लोग इसका 1 नंबर की शेयर में बैठा दिया। बैठाने के बाद फिर मांग करने लगा था पैसा और सब मार्केट का करने लगा। कितना पैसा लिया तुम लोग? पुलिस प्रताड़ना के शिकार
सभी कोयला मजदूर इंसाफ के लिए माले नेता राजेश सिन्हा से भी मिले। मामले को लेकर राजेश सिन्हा ने पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर कड़ा आपत्ति जाहिर किया है। बहुत सारे लोग शिकायत लेकर आए थे मुफस्सिल से कि जो रात में 11 बजे इनको मारा गया, साथ साथ पैर दबाया गया और पैसे जो था वो छीन लिए गए, मोबाइल वगैरह सब उसको चूर दिया गया। तभी उनसे हम बात किए हैं कि जो आप इस तरह से करते हैं गरीबों के साथ, ये कहाँ तक जाएंगे? शराब पी के अगर आप करते हैं, आपको ये होश नहीं रहता है कि क्या करना है नहीं करना है। और जो ड्राइवर थे प्राइवेट थे, कोई अभी थाना से पता किए प्राइवेट थे लोग, और रात में इस तरह से यहाँ पकड़ के मुफस्सिल में ले गए और मुफस्सिल में पकड़ने के बाद पूरा मारे, रात भर पैर दबवाए सबसे पहले। अरे कोयला चोर पकड़िए ना, बड़ा बड़ा सीसीएल क्षेत्र में तो इतना कोयला चोर है, बड़ा बड़ा नेता लोग सादा सादा पहन के खंता से पैसा लेता, उसको पकड़िए ना। गरीब जो ले जा रहा है उसको जबरदस्ती मारते हैं, हम लोग को नहीं पता है क्या? किसी से 20,000 किसी से 15,000 का डिमांड करते, उसकी मम्मी को गाली देते, उसके पापा को गाली देते, नंबर मिल गया तो। देखिए हम समझा रहे तरीके से, और इस तरीके में क्या है कि आप गलत है, और गलत है तो कोई अफसर भी आपके साथ में नहीं होगा। आप प्राइवेट आदमी हो के पैसा तसीली करते हैं, तो पैसा तसीली करते तो माले आपका विरोध करता है। कौन लोग थे जो पैसा तसीली कर रहा था? कौन लोग थे? पीसीआर वाले थे, एक नंबर का गाड़ी था, मुफस्सिल का गाड़ी था, ये आपको बताया हूँ। सीओडी में नगर निगम से बनाए जा रहे रहती जमीन पर नाली निर्माण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि बाद में पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हो गया। सीओडी में रहती जमीन पर सरकारी नाली निर्माण को लेकर जमीन मालिक ने जमकर हंगामा किया और नाली निर्माण कार्य भी बंद करवा दिया। नाली का निर्माण नगर निगम के मत से किया जा रहा है। जमीन मालिक द्वारा नाली निर्माण बंद करवाए जाने से स्थानीय लोग भड़क गए और ग्रामीणों ने जमीन मालिक के तौर तरीकों पर आपत्ति जाहिर किया है। हालांकि कार्यस्थल पर हो हंगामा होता देख पुलिस गश्ती दल ने मौके पर पहुँच कर मामला शांत करवा दिया। ये नगर निगम द्वारा जो है ये नाली का कार्य यहाँ चल रहा था, सरकारी काम है ये, पता चला वो फ़ोन आया कि यहाँ पर कुछ दबंग किस्म का आदमी लोग कुछ आया था 10-15 के तादाद में और बोल रहा था कि काम को बंद करो। तो हमने पूछा कि कौन लोग आया था, तो जिसका नाम बताया कोई विनोद बनवाल है और सब कोई बनवाल का टीम लोग बताया कि यहाँ आया था। हमने हम बोले कि देखो यही सरकारी काम में बाधा अगर तुम डालते हो तो सरासर जुर्म करते हो। तो पता प्रतीत ये होता है कि सर लगता है कि रंगबाजी के ख्याल से ये लोग आ रहा है यहाँ पर, कि या ठेकेदार से कुछ हटने उठने के ख्याल से आ रहा है। तो अभी तो प्रशासन यहाँ से निकल चुकी है, आए थे यहाँ पर आई हुई थी, अब हम लोग देखते जा करके कि क्या मामला है, क्या मैटर था, क्यों यहाँ पर तोड़ फोड़ किया। सुनते हैं ठेकेदार का काफ़ी क्षति नुकसान किया है, बोल रहा है कि लाखों 1.5 लाख रुपये क्षति कर दिया है, मशीन वगैरह तोड़ फाड़ दिया है। बोला उसको मसाला कितना तसला मसाला डाला है, कितना क्या डाल रहा है, इस तरह से गाली गलौज करके यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ बहुत जगह, यहाँ भी देखे तोड़ फोड़ किया, आगे भी तोड़ फोड़ किया, मशीन का वो सारा तेल भी निकलवा दिया, मैंने पूरा तोड़ फोड़ किया। उसके बाद अचानक कोई आदमी इधर उसका वीडियो बना रहा था, वीडियो बना जब बना रहा था तो उधर से 4-5 ईटा वो मार दिया। बोला वीडियो क्यों बना रहे हैं? समस्या ये तो गली बन रहा है सरकारी नगर निगम से, तो विनोद बर्नवाल, विजय बर्नवाल और क्या क्या नाम वो सबका, और 50 लोग करीब व्यक्ति लोग ले करके आया था, कह रहा है वो सब कि ये रोड बन रहा है, ये कमजोर बना रहा है, इसको तोड़ फोड़ कर दो, और सारा नाली वाला तोड़ दिया, मशीन तोड़ दिया, पानी बहा दिया, उखाड़ पुखाड़ दिया। इसके बाद भी कोई वीडियो बना रहा था तो विजय बर्नवाल और विनोद बर्नवाल पत्थर उठा के पब्लिक भी इधर उठ दिया, और ये भी बोला तुम गाली गलौज कर नहीं बना रहा या बना रहा, तुम अपना जो करना करो। यहाँ तोड़ फोड़ किया है, अगर नाली में मारपीट भी किया हम लोग के साथ में, लेडीज लोग को मारना नहीं चाहिए, धक्का मुक्का हम लोग को भी किया। कौन कौन लोग थे? विजय था, विजय बर्नवाल और विनोद दोनों भाई आके मारपीट किया हम लोग के साथ में, बोलता है कि रात में डाकू घुसा देंगे तेरा घर में, तुमको मर्डर कर देंगे, गंदा गंदा गाली दे दिया हम लोग को। भारतीय वैश्य महासभा महिला प्रकोष्ठ द्वारा शनिवार को पूरी और सब्जी का वितरण किया गया। इस दौरान संगठन की महिलाओं ने लोगों को संक्रमण से बचने के तरीके भी बताए। भारतीय वैश्य महासभा महिला प्रकोष्ठ ने अनलॉक वन में भी गरीबों और जरूरतमंदों व असहाय लोगों तक भोजन पहुंचाने के कार्य में जुटी है। शनिवार को भारतीय वैश्य महासभा महिला प्रकोष्ठ की संगीता सेठ, प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम बर्नवाल, सुचिता देवी, ज्योति देवी, रेखा जयसवाल,
रंजना देवी, निशा देवी, बबीता देवी ने बस स्टैंड इलाके में जाकर गरीबों और असहाय लोगों के बीच पूरी सब्जी का पैकेट बांटा गया। इस दौरान महिलाओं ने सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के तरीके भी बताएं। आज भारतीय वैश्य महासभा महिला प्रकोष्ठ की तरफ से अपने सेवा का कार्य करने की सबकी इच्छा हुई और सबने ये सोचा कि हम अब बच्चों के बीच में, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, परिवार हैं, उनके बीच में खाना का वितरण, भोजन का वितरण किया जाए। और सबने मिलजुल कर खुद से भोजन बनाकर ज़रूरतमंद बच्चों परिवार के बीच में 100 पैकेट भोजन का वितरण किया गया। और इसमें स्वच्छता का ध्यान रखते हुए लोगों को भी बताया गया कि इस कोरोना के महासंकट में आप अपने स्वच्छता का ध्यान रखिए और आसपास से थोड़ा सा दूरी बनाकर। और महिला प्रकोष्ठ गिरिडीह जिला टीम की तरफ से बस स्टैंड, रैन बसेरा एवं उसके नीचे के गांव में ज़रूरतमंद गरीब लोगों के बीच 100 पैकेट मूड़ी सब्जी बनाकर इसका वितरण किया गया। इसमें स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को सभी पदाधिकारी खुद से बनाकर और खुशी खुशी इसका वितरण किए। मैं भारतीय वैश्य महासभा के मंच से ये सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वच्छता का पालन करें। कोविड-19 कोरोना वायरस से सारा दुनिया महामारी से लड़ रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारी संस्था गिरिडीह जिला भारतीय वैश्य महासभा की सारी महिला महाकोष से हम लोग सभी महिलाएं पूरी सब्जी घर में ही स्वच्छतापूर्वक बनाकर आज रैन बसेरा और बस स्टैंड की बगल वाली बस्ती में हम लोग वितरण किए हैं। बेलाबाद थाना क्षेत्र के चितमाटी गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बेलाबाद थाना क्षेत्र के चितमाटी गांव में शनिवार को जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में खलील अंसारी, सरोजिनी बीबी, हाशमी अंसारी, रुबेदा बीबी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में चल रहा है। घायलों ने बताया कि अपने जमीन पर घर बना रहे थे, तभी मुबारक अंसारी, जाहुर अंसारी अपने सहयोगियों के साथ लाठी डंडा से लेस होकर आए और जानलेवा हमला कर दिया। घर बना रहे हैं। अच्छा। ईटा के दीवार जैसे दे रहे थे। हाँ। उसके बाद मेरा चाचा आया। हाँ। तो बोला कि बनाने नहीं देंगे। हाँ। हम लोग बोले रोक दो। हाँ। उसके बाद मेरा भाई बोला कि तुम आधा छोड़ देते हैं। हाँ। आधा में मैं बना रहा हूँ। हाँ। उसके बाद बोला कि नहीं बनाने देंगे, खून होगा तो खून करेंगे। हाँ। हाँ। उसके बाद वो ईटा कबाड़ के फेंकना चालू कर दिया। हम लोग बंद कर दिए, काम कुछ नहीं किए। कौन को मारपीट किया आपको? मुबारक है, तबारक है, उसका जहूर मियां है और उसका परवेज अंसारी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गिरिडीह सीसीएल द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गिरिडीह कोयलांचल क्षेत्र में भी जगह जगह पौधारोपण किया गया। जीएम कार्यालय प्रांगण में परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार ने पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण के रोकथाम के लिए पौधारोपण जरूरी है और इसके लिए जन जागरूकता की भी जरूरत है। मौके पर वरीय कार्मिक प्रबंधक राजीव कुमार, संजय कुमार सिंह, विष्णुकांत प्रसाद, राजीव रंजन कुमार, सम्मी कपूर, प्रदीप दराद आदि मौजूद थे। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ खबरों के साथ। तब तक लीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।